नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज के खास बुलेटिन में। दोस्तों, हम एक सीरीज चला रहे हैं, खास एक किताब आई है जिसकी काफी चर्चा है इन दिनों। इस किताब में इतना पुरुष वर्ग का योगदान है, इतना महिला वर्ग का भी योगदान है। एक खास पुस्तक महाराष्ट्र रेरा लॉ एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी चर्चा चल रही है और इस किताब में करीबन 100 लोगों से ज्यादा लोगों ने अपना सहयोग दिया है। रियल एस्टेट से जो जुड़े हैं प्रोफेशनल लोग, उन लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूट किया। ये पुस्तक 1600 पेज की बड़ी ही महत्वपूर्ण टेक्स्टमैन जैसे पब्लिशर ने पब्लिश किया है। आज हम हमारे स्टूडियो में इनवाइट कर रहे हैं एक महिला वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाली एडवोकेट इंदिरा शाह हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। आपका स्वागत है इंदिरा जी। आप यूथ हैं, रिप्रेजेंट करती हैं लेडीज को, बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका योगदान हुआ, आपको बधाई हो। साथ ही मैं ये जानना चाहूंगा आपने ये इसमें क्या योगदान दिया और ये जो किताब है जिसे इंसाइक्लोपीडिया, जिसे रियल एस्टेट की भगवद गीता कहा जा रहा है, क्या खासियत है इसमें, क्यों भगवद गीता कहा जा रहा है? पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मेरे लिए बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो आपने ये कहा कि महिला वर्ग को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मुझे इसके लिए बहुत ही गर्व होता है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पा रही हूँ, सारी महिलाओं को जो प्रोफेशनल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस इंटरव्यू में। और जहाँ तक सवाल इस पुस्तक का है, इसको मैं पुस्तक नहीं बोल के ग्रंथ बोलना चाहूँगी। इट्स अ मैनुअल जो मतलब हर एक इंसान, हर एक डिविजन ऑफ सोसाइटी जो भी है यहाँ पे, उसके लिए ये हेल्प कर सकता है। इसलिए क्योंकि इसमें ये नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल्स इसकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, हर कोई इसकी लैंग्वेज को इतने अच्छे से समझ पाएगा क्योंकि ये बना ही उस लिए है ताकि हर एक बंदा, जो इवन कॉमन मैन जिसको हम लोग ले मैन बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि आज उनके राइट्स क्या है। तो मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन यही रहा है कि मैंने एक चैप्टर को रिव्यू किया है जो है कॉमन पब्लिक के लिए, जहाँ पे जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज। तो आज हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अलॉटीज, जो लोग हम घर खरीदते हैं, हमें हमारा राइट्स क्या है। आज हम सब जानते हैं, कॉमनली सबको पता है कि सोसाइटी बनती है, बट सोसाइटी के अलावा भी काफ़ी कुछ बन सकता है। डेवलपर और भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बना सकता है, तो वो क्या है सोसाइटी के अलावा और क्या बन सकता है, और उसके बनने के बाद उसके क्या फायदे होते हैं। सोसाइटी के तो फायदे है ही, जो हम सारे लोग जानते हैं, और जिनको नहीं पता है वो ये बुक पढ़ के एकदम ही समझ जाएंगे कि सोसाइटी क्यों बनती है। बट उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कंपनीज है और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से जो बनती हैं, जो डेवलपर्स बना सकते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ, तो वो क्यों बनती हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें उस चैप्टर में लिखी हुई है। और मैं और भी कुछ कहना चाहूँगी इस बुक के बारे में कि ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है ये बुक, ये हम कॉमन पब्लिक के लिए बनाए हैं इसलिए ताकि नॉलेज स्प्रेड कर सके। रेरा एक्ट हाल ही में आया हुआ है, लेकिन से जुड़ी जो तकलीफें थी पहले से जो नॉर्मल पब्लिक को थी, जैसे यू नो प्रोजेक्ट्स में डिले होना, ये होना, वो होना, इसी वजह से रेरा आया ताकि सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाए, ऑर्डरली मैनर में सब फोकस हो। काफी धोखाधड़ी होती थी तो बायर्स के साथ। सिर्फ धोखाधड़ी की बात नहीं है, डेवलपर्स के लिए भी काफी डिले हो जाता था, काफी चीजें, तो काफी कुछ ऑर्डरली मैनर में यहाँ पे हुआ है रेरा एक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद, और काफी कुछ हम सभी लोग इसमें से सीख रहे हैं। और ये जैसे जैसे और फेमस होते जा रहा है रेरा एक्ट, जब हम ये बुक को देखेंगे तब हम सिर्फ रेरा से सीमित नहीं रहेंगे, हमारे पास इसमें टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और सबसे खास बात ये है इस बुक की कि इसमें सारे प्रोफेशनल साथ में आके काम कर रहे हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स कहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहिए, हम जैसे लॉयर्स कहिए, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के काफी सारे लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग करने के लिए हमको मदद की है। और ये सब पॉसिबल ही नहीं होता, रमेश प्रभु सर और काफी जो पहले से प्रोत्साहित किया है, इसका नींव बिठाई है। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं इस चीज की एक पार्ट बन सकी और मैंने इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई, क्योंकि ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आज एक इतना बड़ा डाइजेस्ट कह सकते हैं इसको, ग्रंथ कह सकते हैं, जो पढ़ने से हमको काफी सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है, अंडर वन रूफ जैसे बोलते हैं। इस सब चीजों का समावेश है 360 डिग्री, इसलिए से भगवद गीता कहा जा रहा है। आखिरकार में आप क्या कहेंगे उन प्रोफेशनल्स को, साथ ही जो बायर्स हैं, जो रेरा रजिस्टर में प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं,
उन लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है ये, और साथ ही इस बुक को क्यों वो परचेस करें। ये बुक देखने में ऐसा लगेगा बहुत बड़ा है, बट कोई भी ग्रंथ इतने से 50 पेज का तो होता नहीं है, ये हम सारे ही लोग जानते हैं। तो इसीलिए इसको ग्रंथ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अंडर वन बुक हमको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमको अथॉरिटीज को कैसे अप्रोच करना है, कंप्लेन्स अगर करनी है तो किस फॉर्मेट में करनी है, और काफी सारी चीजें टैक्सेशन क्या क्या लेवी होगा, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन ये एक ही ग्रंथ के अंदर है। इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि प्रोफेशनल से ज्यादा, देखिए प्रोफेशनल्स को तो आदत होती है, उनको पढ़ने की आदत होती है, उनको ये सारी चीजें पता होती है, उनको लॉ पता होता है, उनको सब पता होता है कि उनको क्या करना है, कौन सा प्रोविजन डालना है, लेकिन जब लेमैन की बात आती है तो वो दिशाहीन होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको कहाँ जाना है, किस चीज के लिए अप्रोच करना है। इसीलिए अगर उनके पास ये ग्रंथ हो, जिसको मैं हमेशा ग्रंथ ही बोलूंगी, मैनुअल भी नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे लिए ये ग्रंथ ही है, तो अगर ये ग्रंथ उनके पास हो तो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन उनको एक ही बुक में मिलेगी और उनको एक दिशा मिलेगी कि उनको किस तरीके से अपना ग्रीवियंस सॉल्व करना है या किसी को इन्फॉर्मेशन पास करनी है, सारी चीजें सिर्फ इसी में मिल जाएंगी उनको। निश्चित ही ये एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में आपने जो शेयर किया है अलाटी और बायर्स की बिहाफ पे आपने रिव्यू किया, तो निश्चित ही लोगों के लिए, हर एक बायर्स के लिए फायदेमंद होगा। और ये जो चैनल है हमारा दोस्तों, ये जो हमारा प्रयास है इस बुक को साथ में प्रचारित करने का, ताकि आपका जो कानून है रेरा रियल इस्टेट का, एक मजबूत कानून है जिससे रियल इस्टेट ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंटिंग हो रही है और इसको दुनिया, भारत का जो रियल इस्टेट है, दूसरे कंट्री के भी लोग यहाँ पर आने के चाहत रख रहे हैं कि जो डेवलपर्स हैं बाहर से वो भी आए, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की काउंटिंग हो रही है। तो उसके लिए ये जो वीडियो है, ये महत्वपूर्ण वीडियो, आप इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, महासेवा न्यूज और महासेवा वेबिनार को। और दोस्तों इस पुस्तक को, यदि इस किताब को, इस ग्रंथ को यदि आपको पाना है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं महासेवा ऑफिस के अंधेरी के, वहां से आप इसे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, फोन पे बात करें और आप इस ये पुस्तक आप अपने घर पे पा सकते हैं। और साथ ही टेक्समैन जो बड़ा पब्लिशर है, उनकी तमाम लीडिंग स्टॉल्स पर ये अवेलेबल है, वहां से भी आप पा सकते हैं, अमेजन से आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करें महासेवा के तमाम दर्शक, साथ ही हमारी एडवोकेट इंदिरा जो युवा है, इंदिरा साहब, इनके जो तमाम चाहने वाले लोग हैं, तमाम इनके क्लाइंट्स हैं जो इनको अवेयर करते हैं तमाम सब्जेक्ट को, लेक्चर को लेकर, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंदिरा जी।